हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू learner.com। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। अगर आप इनोवा हाईक्रॉस चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग इनोवा हाईक्रॉस के केबिन में दिए गए सभी ऑपरेटिंग स्विचेस के बारे में आपको जानकारी देंगे, किस स्विच से आप क्या फंक्शन ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गियर नॉब के पास के स्विचेस से। तो यहाँ पर आपको कुछ स्विचेस जो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ही आती है। और सबसे पहला स्विच जो आपको देखने को मिल रहा है ये है 360 डिग्री कैमरा। इसे प्रेस करने से आपको 360 डिग्री कैमरा ऑपरेट कर सकते हैं, और अगेन प्रेस करेंगे तो आप डिफरेंट एंगल्स से 360 डिग्री कैमरा को ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन जो दिया गया है ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के। इस गाड़ी के अंदर आपको मैनुअल पार्किंग ब्रेक किसी भी वेरिएंट में नहीं देखने को मिलेगा, सो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिया गया है। इसे भी आप इस तरह से पुल कर पार्किंग ब्रेक को हटा सकते हैं और प्रेस कर पार्किंग ब्रेक को लगा सकते हैं। बट क्योंकि ये गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है, तो जैसे ही आप पी मोड से डी मोड पर लगाएंगे गाड़ी को ड्राइव करने के लिए, पार्किंग ब्रेक्स ऑटोमेटिकली डिसएंगेज हो जाते हैं, तो आपको प्रैक्टिकली इस बटन को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला बटन दिया गया है ब्रेक होल्ड फंक्शन का। ब्रेक होल्ड फंक्शन आपको तब यूज करना है अगर मान लीजिए आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक सिचुएशन में हैं, और जब गाड़ी डी मोड पर रहती है तो ऑटोमेटिक व्हीकल्स में बाय डिफॉल्ट पावर रहती है और व्हीकल अपने आप फ्रंट की तरफ रोल करता है, ड्राइव करता है एक मिनिमम स्पीड से, चाहे आप एक्सेलेरेटर ना भी प्रेस कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो और आपको ब्रेक प्रेस कर ना रखना पड़े, तो आप ब्रेक होल्ड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इसे ऑन करेंगे तो इसका इंडिकेशन आपको MID पर यहाँ पर देखने को मिलेगा, और जब ये फंक्शन एक्टिवेट होगा तो डी मोड पर भी गाड़ी अपने आप आगे की तरफ नहीं जाएगी और आपको ब्रेक प्रेस करके रखने की जरूरत नहीं है। देन ड्राइव मोड का स्विच यहाँ पर दिया गया है। तो हाइब्रिड वेरियंट के अंदर आपको तीन ड्राइव मोड्स मिलते हैं। आप इस सिंगल बटन को मल्टीपल टाइम प्रेस कर वो ड्राइव मोड्स लगा सकते हैं। पहली बार जब आप इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको मीटर रेड कलर में दिखाई दे रहा है और PWR जो लिखा आ रहा है, दैट मीन्स कि पावर मोड अभी लगा हुआ है। दोबारा प्रेस करने पर इको मोड लगा हुआ है, एंड ब्लू जो इल्यूमिनेशन आता है, दैट मीन्स अभी गाड़ी नॉर्मल मोड पर ड्राइव कर रही है। इन सब ड्राइव मोड्स के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। उसके बाद EV मोड का डेडिकेटेड बटन दिया गया है। हालांकि हाइब्रिड व्हीकल्स बाय डिफॉल्ट EV मोड पर ही शुरू होते हैं, और इस समय जिस तरह से आप देखें कि गाड़ी स्टार्ट है और ये रेडी का इंडिकेशन आ रहा है, दैट मीन्स द व्हीकल इज रेडी टू ड्राइव, और EV का इंडिकेशन भी यहाँ पर आ रहा है। बट स्टिल अगर आप कभी इंडोर व्हीकल को यूज करना चाहते हैं और डेडिकेटेडली चाहते हैं कि गाड़ी EV मोड पर ही चले, तो आप इस बटन को प्रेस कर सकते हैं। बट इस मोड को यूज करने के लिए मेक श्योर कि आपकी बैटरी एक पर्टिकुलर लेवल तक चार्ज होनी चाहिए, अदरवाइज आपको एक एरर मैसेज मिलेगा दैट EV मोड इज नॉट अवेलेबल। उसके बाद लास्ट जो स्विच यहां पर दिया गया है, ये VSC को ऑफ करने का स्विच है, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल को ऑफ करने का। तो इसे आपको तभी यूज करना है अगर आपकी गाड़ी किसी सिचुएशन में स्टक हो जाती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मड है या फिर स्नो है, तो वहां से अगर आप गाड़ी को नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको VSC को पहले ऑफ करना है और फिर आप गाड़ी को ड्राइव कर वहां से निकाल सकते हैं। तो ये थे सभी स्विचेस ट्रांसमिशन गेयर बॉक्स के पास। उसके बाद यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं, और एक USB है, एक Type-C चार्जर यहाँ पर दिया गया है। और स्विचेस की बात करें तो यहाँ पर आपको AC का यूनिट दिया गया है। इस गाड़ी में ऑटोमेटिक AC आता है, तो उस AC को ऑपरेट करने के लिए पहले यहाँ पर जो स्विचेस आपको देखने को मिल रहे हैं ये आपको समझा देते हैं। ये AC को ऑन ऑफ करने का स्विच है, ये एयर सर्कुलेशन की आपको हवा अंदर की सर्कुलेट करनी है कि फ्रेश एयर बाहर की चाहिए, वो आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। फ्रंट डिफॉगर को ऑन ऑफ करने का बटन यहाँ पर दिया गया है, रियर डिफॉगर को ऑन ऑफ करने का बटन यहाँ पर दिया गया है, और फैन यूनिट पूरी AC यूनिट को ऑफ करने के लिए इसे प्रेस कर सकते हैं, आपका पूरा AC यूनिट ऑफ हो जाएगा। एंड देन ऑटो, अगर आप ऑटो AC को यूज करना चाहते हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं। जो भी टेम्परेचर आप सेट करेंगे उसे उस टेम्परेचर पर लाने के लिए फैन की स्पीड कम या ज्यादा ऑटो मोड में अपने आप हो जाती है।
साथ ही दो स्विचेस आपको लेफ्ट एंड राइट में जो देखने को मिल रहे हैं ये वेंटिलेटेड सीट्स के बटन्स हैं। तो वेंटिलेटेड सीट्स के 3 लेवल यहाँ पर दिए गए हैं। इस तरह से प्रेस कर आप फैन की स्पीड को फुल कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं या फिर उसे ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं फैन स्पीड जो कि एसी का, तो ब्लोअर की स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए आप यहाँ से प्लस या माइनस कर सकते हैं। और क्योंकि ये गाड़ी ड्यूल जोन एसी के साथ आती है तो आप रियर जो रो है सेकंड रो का एसी भी यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको रियर बटन को प्रेस करना है। अब आप जो भी कंट्रोल्स यूज करेंगे चाहे फैन स्पीड वाले या फिर टेम्परेचर वाले, तो वो सब आप रियर यानी कि सेकंड रो वाले एसी के लिए यूज करेंगे और वापस इसे ऑफ करेंगे तो अब आप फ्रंट रो का एसी ऑपरेट कर रहे हैं। ये टेम्परेचर कंट्रोल्स दिए गए हैं टेम्परेचर को कम या ज्यादा करने के लिए। तो इस समय जो टेम्परेचर आपको यहां पर देखने को मिल रहा है ये फ्रंट रो के लिए है, और अगर आप रियर बटन को प्रेस करते हैं और फिर टेम्परेचर कंट्रोल को यूज करते हैं तो ये सेकेंड रो के एसी का टेम्परेचर आपको यहां पर डिस्प्ले हो रहा है। तो ये थे सभी एसी के कंट्रोल्स। उसके बाद आता है आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें आप कंप्लीटली इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या क्या फीचर्स इसके अंदर आते हैं। सिर्फ अगर बटन्स की बात करें तो यहाँ पर फिजिकल बटन्स दिए गए हैं वॉल्यूम के लिए, होम स्क्रीन पर आने के लिए, मेन्यू से बाहर आने के लिए और पूरे ऑडियो सिस्टम को ऑफ करने के लिए। तो यहाँ से आप पावर ऑफ कर सकते हैं इसे। उसके बाद बढ़ते हैं स्टेयरिंग व्हील के ऊपर। स्टेयरिंग पे आपको लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ कुछ स्विचेस देखने को मिल रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी स्विचेस दिए गए हैं ये आपका मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले जो कि सामने दिया गया है उसे ऑपरेट करने के लिए काम में आता है। तो आप इजीली इसे नेविगेट कर सकते हैं। ये लेफ्ट राइट अप एंड डाउन इस तरीके से अप एंड डाउन अगर आप करेंगे तो मेन्यू आइटम्स इस तरह से अप एंड डाउन होंगे, और अगर आप लेफ्ट एंड राइट का यूज करते हैं तो आप डिफरेंट मेन्यू में स्विच कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी मेन्यू या सेटिंग से बाहर आने के लिए आप बैक बटन का प्रयोग कर सकते हैं। ये फोन को रिसीव करने का बटन यहाँ पर दिया गया है। जब भी कभी इनकमिंग कॉल आती है आप इस बटन से उसे रिसीव कर सकते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम की वॉल्यूम को कम या ज्यादा करने के लिए यहाँ पर स्विच दिए गए हैं, एंड इस गाड़ी में वॉइस असिस्टेंट भी दिया गया है तो आप उसे ऑपरेट करने के लिए इस स्विच का प्रयोग कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं राइट हैंड साइड के स्विचेस की अगर बात करें, तो क्योंकि ये गाड़ी टॉप वेरिएंट है ZX ऑप्शनल, तो इसमें आपको टोयोटा सेफ्टी सेंस के कुछ एडिशनल फीचर्स भी दिए जाते हैं। उन सभी फीचर्स को आप यहां से ऑपरेट कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, यहां पर जो स्विच दिया गया है ये क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट करने का स्विच दिया गया है, और क्रूज कंट्रोल क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है तो इसमें आपको दो तरह का क्रूज कंट्रोल आता है, एक नॉर्मल मोड और एक डायनेमिक रडार क्रूज कंट्रोल मोड। तो आपको अगर मोड स्विच करना है तो आप इस मोड के बटन को प्रेस कर सकते हैं और आप नॉर्मल या फिर अडेप्टिव क्रूज मोड यहां से स्विच कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको लेन डिपार्चर अलर्ट का जो बटन दिया गया है तो आप इसे एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसका इंडिकेशन आपको MID के यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में देखने को मिलता है। क्रूज कंट्रोल के दौरान अगर आप स्पीड को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो प्लस माइनस के स्विचेस यहाँ पर दिए गए हैं। क्रूज कंट्रोल को कैंसिल करने के लिए यहाँ पर स्विच दिया गया है। नीचे के दो स्विचेस इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए दिए गए हैं। इसमें अगर आप मोड चेंज करना चाहते हैं AM, FM, USB, ब्लूटूथ, वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही ट्रैक को स्विच करने के लिए या FM के चैनल्स को स्विच करने के लिए आप इस बटन का प्रयोग कर सकते हैं लेफ्ट एंड राइट। साथ ही क्योंकि ये गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है तो इसमें आपको यहां पर पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं तो आप इन्हें इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको जब गाड़ी S मोड पर चलानी है तो आप गियर्स को प्लस या माइनस या तो यहां से कर सकते हैं इस तरीके से टैप कर, और गियर का इंडिकेशन आपको MID पर देखने को मिलेगा S5, S6 इस तरीके से। टोटल 6 गियर्स का ऑप्शन आता है आपको हाइब्रिड वेरिएंट के अंदर, और आप चाहें तो अगेन उनको पैडल शिफ्टर्स के साथ भी स्विच कर सकते हैं इस तरीके से। Thank you.
उसके अलावा राइट हैंड साइड के स्विचेस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ORVM को एडजस्ट करने का स्विच यहाँ पर दिया गया है। तो आप लेफ्ट या राइट जो भी ORVM है उसको सेलेक्ट कर इसे अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। ये ORVM को फोल्ड करने का बटन यहाँ पर दिया गया है, तो इस समय ORVM फोल्ड सिचुएशन में है, आप चाहें तो इसे ओपन कर सकते हैं। और बीच में जो ए मोड दिया गया है ये ऑटो फोल्ड फंक्शन के लिए है, तो जैसे ही आप गाड़ी को लॉक करेंगे ऑटोमेटिकली ORVM फोल्ड हो जाएंगे और अगर आप अनलॉक करेंगे तो अनफोल्ड हो जाएंगे। ये डोर्स को लॉक अनलॉक का स्विच है, ये आपके सभी के सभी पावर विंडोज को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने का स्विच यहाँ पर दिया गया है, प्लस जो पावर विंडोज हैं उनको आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। उसके अलावा तीन बटन्स यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। ये बटन आपको ऑटो हाई बीम फंक्शन के लिए दिया जाता है जो केवल ZX ऑप्शनल वेरिएंट में आता है, तो जब ये फंक्शन एक्टिवेट रहता है तो ऑटोमेटिकली गाड़ी फ्रंट में आते हुए व्हीकल की हेडलाइट को देखकर अपनी बीम को लो बीम पर कर देती है और व्हीकल को क्रॉस होते ही उसे हाई बीम पर कर देती है। तो अगर आप चाहते हैं इस फीचर को ऑफ करना तो यहाँ से आप इसे ऑफ कर सकते हैं। हेडलैम्प की लेवलिंग के लिए यहाँ पर नॉब दिया गया है, तो एज पर व्हीकल वेट आप हेडलैम्प को लेवल कर सकते हैं। साथ ही ये गाड़ी पावर बैक डोर के साथ आती है, तो आप चाहें तो यहाँ से पावर बैक डोर को ऑपरेट कर सकते हैं। उसके अलावा डोर पर ही आपको सीट मेमोरी फंक्शन दिया गया है, सेट के साथ दो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप मन चाहा अपना मेमोरी सेट कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। इसके लिए भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, इन सभी वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप इन्हें इंडिविजुअली देख सकते हैं। साथ ही अगर बात करें IRVM की तो इसमें इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM आता है, तो उसे आप यहां से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और उसके अलावा यहां पर आपको अपर पैनल में भी कुछ स्विचेस देखने को मिल रहे हैं जहां से आप सनरूफ एंड कुछ अदर फीचर्स को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको SOS e-call का बटन दिया गया है जो कि एक कैप के अंदर होता है, तो आपको ये बटन केवल इमरजेंसी सिचुएशन में ही यूज करना है ताकि आप डायरेक्ट इमरजेंसी कॉल कर सकें। तो जिस तरह से आपको जो यहाँ पर नंबर है 112 नंबर, तो अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो 112 नंबर पर कॉल चली जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर केबिन लाइट्स के स्विचेस यहाँ पर दिए गए हैं। बात करें अगर सनरूफ की तो सनरूफ के लिए यहाँ पर तीन स्विचेस दिए गए हैं। ये वाला स्विच सनरूफ के फ्लैप को ओपन या क्लोज करने के लिए है। ये वाला स्विच सनरूफ को ओपन करने के लिए दिया गया है। और अगर आप केवल टिल्ट अप फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं। साथ ही अल्ट्रासोनिक सेंसर को ऑफ करने के लिए यहां पर स्विच दिया गया है। सेकेंड रो की अगर बात करें तो इसमें रियर दोनों सीट्स जो आती हैं वो पावर रिक्लाइन एंड ऑटोमन सपोर्ट के साथ आती हैं, जिनके स्विचेस यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। यहां से आप पावर ऑटोमन को इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं और साथ ही रियर रिक्लाइन करने के लिए यहाँ पर स्विच दिया गया है जिससे आप सीट को पीछे की तरफ रिक्लाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। साथ ही आपको यहाँ पर फ्रंट में जो पैनल दिया गया है इसमें रियर जो सेकेंड रो का AC है उसका टेम्परेचर एंड फैन स्पीड यहाँ पर डिस्प्ले होता है, यहाँ से आप टेम्परेचर को प्लस माइनस कर सकते हैं। साथ ही फैन स्पीड को यहाँ से बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, AC यूनिट को ऑफ कर सकते हैं एंड ऑटो AC का फंक्शन भी यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही इस गाड़ी में आपको एमिन लाइट्स दी गई हैं, तो उसे आप ऑपरेट करने के लिए इस स्विच का प्रयोग कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ सनरूफ पर देखने को मिलती है। इनका इल्यूमिनेशन आपको रात के समय ज़्यादा बेटर दिखाई देता है और इसी स्विच की मदद से आप इल्यूमिनेशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं मल्टीपल टाइम प्रेस कर। तो इल्यूमिनेशन को आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं। साथ ही नीचे दो आपको चार्जिंग सॉकेट्स भी यहां पर देखने को मिलते हैं। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आप सभी ऑपरेटिंग स्विचेस को अच्छे से जान पाए होंगे।
फिर भी अगर कोई स्विच मिस रह गया हो या फिर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए किसी भी फंक्शन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और इस प्रकार की और बहुत सारी यूजफुल वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।